लाइफ कोचिंग क्यों आवश्यक है, इसको जानने के लिए अगर आप कुछ स्टेप्स पीछे जाएं तो जीवन में आप पाएंगे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग अपने जीवन में काफ़ी भय, अवसाद, बहुत किस्म के नकारात्मक अनुभव या पिछले किसी पास्ट के साथ बहुत लंबे समय तक रहते हैं, अपने फ्रस्ट्रेशंस के साथ लंबे समय तक जीते हैं। हमारे विखंडित होते हुए समाज में आज इस बात की बहुत आवश्यकता है कि लोग बात करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति हर कोई चाहता है जिसके साथ वो बहुत खुल के बात कर सके और अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सके और सकारात्मक तौर पे अपनी खुद की लर्निंग कर सके, और वो भी एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी कॉन्फिडेंशियल एटमॉस्फेयर में, जहाँ उसके और उसके कोच के बीच जो भी चर्चा होती है वो बहुत ही नितांत रूप से व्यक्तिगत होती है और इसका जिक्र कहीं और होता नहीं। इस भरोसे के सहारे आप अपने मन की सारी पीड़ा अपने कोच से कह सकते हैं, अपनी वो सारी जितनी भी चीज़ें आपको बाधित करती हैं अच्छा परफॉर्म करने से, उनके बारे में आप खुलकर बात कर सकते हैं बिना किसी नकारात्मक परिणाम की अपेक्षा के, क्योंकि कोचेस बहुत ही न्यूट्रल होते हैं या वो बहुत आपको जज नहीं करते। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, आप अपनी क्षमताओं पर खेलें और विफलताओं को पीछे छोड़ें और अपने सकारात्मक भविष्य की तरफ अगला कदम बढ़ाएं। इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ यदि लोग बहुत लंबे समय तक रहते हैं तो उनकी मानसिक अवस्था में बहुत ही नकारात्मक बदलाव आते हैं और वह उनकी सफलताएं लगातार कम होती जाती हैं या वो विफलताओं में परिवर्तित होती जाती हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत से लोग पाएंगे जो अचानक बहुत सफलता से विफलता के ग्रास बनते गए, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं जहाँ पे भी एक अच्छा हाथ रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्पोर्ट्समैन, बहुत सारे अभिनेता, बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे बिजनेसमैन जिन्होंने सफलता बहुत देखी, विफलता का दर्द भी देखा, लेकिन किसी न किसी प्रेरणा के सहारे वो उसमें से बाहर निकल के आए और दोबारा से उन्होंने अपनी सफलता के झंडे गाड़े। लाइफ कोचिंग की आवश्यकता भी इसी तरह है। जब भी आप जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचें और जब भी आपको ये लगे कि मैं पढ़ने से ज़्यादा कुछ और करना चाहता हूँ जो मेरे अंदर है और मैं अपनी खुद की क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तब शायद आप एक लाइफ कोच के बारे में